वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं आर्सेनल के एमिरेट्स स्टेडियम में, एंड आर्सेनल का ये होम स्टेडियम है द एमिरेट्स स्टेडियम, और नॉर्थ लंदन में सिचुएटेड है। प्राइसेस एंड ऑल जितने होंगे मैं सब बताऊंगा, और पूरा मैं एक अच्छा व्लॉग पूरा टूर करा दूंगा आपको वहाँ का पूरा। एंड चलिए चलते हैं, अभी सुबह के करीब 11:30 बज रहे हैं एंड वी विल बी देयर इन अराउंड 1 आवर। नॉर्थ लंदन में सिचुएटेड है स्टेडियम, तो चलिए चलते हैं, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता एंड ऑल जाने का, एंड टिकट प्राइसेस एंड ऑल एवरीथिंग सब चीज़ मैं बता दूंगा, और पूरा स्टेडियम टूर, म्यूजियम टूर एंड पिच साइड एंड ऑल भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। हमने टिकट उठा लिया है क्योंकि वो बोला था, उसमें मेल में लिखा हुआ था, मैंने क्योंकि टिकट ऑनलाइन बुक किया था उसमें था कि टिकट को अपने प्रिंट करके लाना, तो मैंने टिकट को प्रिंट करवा लिया है। और अभी हम लोग लेंगे ट्रेन, यहाँ से ट्रेन लेके जाएंगे सीधा आर्सेनल के ट्रेन स्टेशन पर उतरेंगे। चलिए ट्रेन में चलते हैं। एग्जिट करेंगे हम लोग और चलते हैं स्टेडियम की तरफ। गाइस वी ऑलमोस्ट देयर, बस स्टेडियम के पास ही पहुंच गए हम लोग ऑलमोस्ट। वो दिख रहा होगा आपको, योर सुपर क्लब स्टोर स्टेडियम टूर्स एंड द स्टेडियम उस तरफ। चलिए इस तरफ से दिखाएंगे आपको, व्यू लेते हैं आगे से। स्टोर आई थिंक आज बंद होगा क्योंकि संडे है, बट लेट्स सी, हो सकता है खुला भी हो, अगर होगा तो वहाँ भी जा सकते हैं एक बार। सर्विसेज का एरिया, और ये आई थिंक क्लोज्ड है क्योंकि अभी सीज़न तो बंद है, एंड जब नेक्स्ट सीज़न शुरू होगा 2 महीने में तब सब टिकट्स अनलॉक होंगे। स्टोर जैसे मैंने बोला था, आर्सेनल लाइब्रेरी स्टोर उनका बंद है आज, तो चलिए सीधा चलते हैं स्टेडियम की तरफ और स्टेडियम टूज में। लेट्स गो। एमिरेट्स स्टेडियम और आर्सेनल का ब्यूटीफुल लोगो बना हुआ है विद ऑल लेजेंड्स एंड ऑल, क्या लग रहा है ये, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी हम लोग आर्मरी स्टोर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस है एंड देन वी विल बी गोइंग इन, और वहाँ से हम लोग अपना टूर शुरू करेंगे। टूर सबसे पहले गाइस शुरू होता है, हम लोग को एक हेडफोन दे दिया जाता है और ये एक आईपैड टाइप का दे दिया गया है। तो अभी यहाँ से टूर शुरू हो रहा है, सबसे पहले हमारा एक कार पार्क में, तो आई थिंक यहाँ प्लेयर्स वेयर्स के गाड़ी वाड़ी लगते हैं एंड ऑल। तो चलिए अब अंदर चलते हैं मेन ऑफिस के तरफ। हम लोग को ट्रॉफी देखने को मिला है द प्रीमियर लीग का, और 2-3 ट्रॉफीज़ और है, आई थिंक दैट्स एफ ए कप एक उसमें, और ये स्टार्टिंग है टूर का। नो नेक्स्ट कार पार्क तो हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू द लोअर पोडियम जो ग्राउंड फ्लोर है, जस्ट यहाँ डायरेक्टर्स लाउंज एरिया है पूरा, यहाँ सबके वो बने हुए द एमिरेट्स स्टेडियम, पूरा मार्बल का काम किया हुआ है। आर्सेन वेंगर स्टैचू ओवर हियर, ब्यूटीफुल। हम लोग इधर आए हैं जहाँ पे ये इंग्लैंड का वो है लोगो बना हुआ है एंड अ कपल ऑफ मोर ट्रॉफीज सम कॉन्टिनेंटल, ये आर्सेनल वेमेन का है एंड दिस टूर कंटिन्यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, चलिए चलते हैं अगले। नेक्स्ट अब हम लोग घुसेंगे डायरेक्टर्स लाउंज में एंड देन वी विल हैव अ फर्स्ट लुक एट द स्टेडियम। सबसे पहला लुक लेंगे अपना पिच साइड का, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड चलिए चलते हैं लाउंज में। ओके, दिस इज द ओल्ड डायरेक्टर्स लाउंज एरिया। इमेजिन जिस दिन मैच डे होता होगा उस दिन तो कितना बढ़िया लगता होगा। मैच डे के लिए भी आना है, एक मैच के लिए, एंड देयर वी गो फाइनली एट द एमिरेट्स स्टेडियम। गूज़बम्स राइट, गूज़बम्स रियली ब्यूटीफुल, व्हाट अ पिच, सो मच हिस्ट्री, सो मच ऑफ एवरीथिंग एंड टाइम एंड ऑल है, एंड रियली क्या लग रहा है स्टेडियम। पिच साइड पे भी चलेंगे थोड़ी देर में एंड वी विल सी बाकी का क्या होता है। साइड पे पहुंच गए और अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, एंड क्या लग रहा है स्टेडियम, वर्थ इट है गाइस, वर्थ इट। तो थोड़ा प्राइसिंग वाइसिंग बता देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा करीब लगा है 25 pounds, और 5 pounds का ये बुक मिला है मुझे, 25 pounds पर टिकट का था एंड 5 pounds का बुक। वो बुक ज़रूर लीजिएगा क्योंकि वो लोग शायद इंक्लूड भी कर देते हैं कभी कभी, एंड रियली गाइस इट्स वन ईयर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड वर्थ इट। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो ज़रूर आइए इफ यू आर अ फुटबॉल फैन। ब्यूटीफुल पिच, ब्यूटीफुल स्टैंड्स एंड ऑल भी क्या क्रेजी बना हुआ है, और अच्छे वेदर में आइएगा, अभी वेदर बहुत अच्छा है तो बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है, एंड चलिए आगे का टूर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो यहाँ से हम लोग पिच साइड से निकल के और अभी जाएंगे हम लोग डायरेक्ट
डायरेक्टर्स एरिया था ये, अभी जाएंगे हम लोग डायमंड क्लब में, जो सेकंड फ्लोर में दिखा रहा है। वी विल टेक द स्टेयर्स फ्रॉम देयर और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। एंटरिंग द डायमंड क्लब एरिया राइट नाउ और ऐसे जाएंगे वहाँ तक। अदर ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ पे बना हुआ है एंड यहाँ पे एक स्टैचू, दिस इज एक्सक्लूसिव एरिया फॉर द मतलब प्योर डायमंड क्लब के मेंबर्स हैं उन्होंने। यहाँ पे एक छोटा सा बार है एंड यहाँ से भी यू कैन एंटर द पिच एरिया और ये सब उनका एक्सक्लूसिव सीट्स है। एवरीथिंग वेरी नाइस प्लेस फुल। इमेजिन ऑन अ मैच डे कितना अच्छा लगता होगा ये एरिया। एफ ए कप चैम्पियंस एंड ऑल सेंचुरियंस एवरीथिंग। चलिए अब हम लोग टूर के अगले पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर लीग चैम्पियंस एंड ऑल एंड ये प्लेयर्स का प्री मैच टनल है। वी आर इन द प्री मैच टनल राइट नाउ। वाह ब्यूटीफुल विक्ट्री थ्रू हार्मनी आर्सेनल। दिस इज द वे द प्लेयर्स वॉक इन। और अभी होम चेंजिंग रूम एंड अवे चेंजिंग रूम की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं अवे चेंजिंग रूम्स की तरफ। ये शावर एरियाज एंड ऑल एंड एवरीथिंग फॉर द प्लेयर्स जो अवे टीम्स के आते हैं। और ये रहा पूरा अवे चेंजिंग रूम। यहाँ पे प्रीमियर लीग का पुराना वाला कप रखा हुआ ऑन द राइट एंड द एफ ए कप ऑन द लेफ्ट सेट। एंड ये बाकी का अवे चेंजिंग रूम एरिया है, आप देख सकते हैं पूरा वेरी नाइसली मेड। एंड यूजली जो होम चेंजिंग रूम एरिया होता है वो 100% बेटर रहता है अवे चेंजिंग रूम एरिया से। इट्स अ मेंटल गेम ओवर हियर। तो चलिए दिखाते हैं आपको होम चेंजिंग रूम एरिया भी। चेंजिंग रूम एरिया एंड हियर वी गो। सबसे पहले यहाँ पे सब लिखा हुआ है नॉन नेगोशिएबल्स एंड एवरीथिंग। प्ले फॉर द बैज आर्सेनल का लोगो टाइम। और ये छोटा सा जिम टाइप का एरिया है वार्म अप के लिए आई थिंक, थोड़ा प्लेयर्स लोग को साइकिलिंग वाइकलिंग करे एंड वो सब के लिए थोड़ा सा एरिया। एंड वी आर एंटरिंग द होम चेंजिंग रूम राइट नाउ। ये वॉशरूम एंड ऑल का एरिया है। दीज आर बाथ, ये सब आइस बाथ एरिया एंड ऑल यू कैन सी पूरा। एंड अंदर चलते हैं। एंड ये है फिजियोस का एरिया पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फिजियोस एंड ऑल के लिए जब प्लेयर्स लोग मैच के बाद आते हैं तो लोग का पूरा रिलीफ एंड ऑल कराना है। एंड ये भी टैक्टिक्स वैक्टिक्स भी थोड़ा यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। बोर्ड्स एंड ऑल लगा हुआ है, ये जाना अलाउड नहीं इधर में, ये लगा हुआ है। नेक्स्ट वी गो इन द ओके दिस इज द स्क्रीन। यहाँ पे आई थिंक ये वाइट बोर्ड भी बन जाता है फॉर टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग पूरा ये है। एंड वी हैव यहाँ पे माइकल आर्टेटा ऑफिस है, वहाँ पे बाद में चलेंगे बट पहले यहाँ पे ये देखेंगे ऑल द प्लेयर्स। कायोसाका, ओडेगार्ड, मार्टिनेली, ये दो पता नहीं आके रखा हुआ है फॉर द नंबर्स। एनकेटिया, एब्रियल हेजूस, नेल्सन, ट्रॉसार्ड, मार्टिनेली, साका अगेन, स्मिथ रो, फैब्रियो वेरा, रेंट जाका, मार्टिन ओडेगार्ड, जॉर्जिनियो, थॉमस पार्टे, मोहम्मद एलनेनी, टोमियासू, रॉब होल्डिंग, क्विओर, बेन वाइट, सलीबा, गब्रियल, जिनचेनको, तियर्नी एंड रैम्सडेल। द होल एरियाज विद द प्लेयर्स कम एंड चेंज। वी आर आर्सेनल और ये पूरा आर्सेनल का लोगो। ब्यूटीफुल बूट्स एंड ऑल भी नीचे की तरफ रखा रहता होगा। एंड टू हैव अ लुक ये है and really nice, really nice, worth it. Arteta's office. अंदर में ऑफिस बना के रखा है एकदम। Arteta आज बैठा हुआ नहीं है क्या? हाँ ये है, आई थिंक ये अंदर में होगा उसका मेन ऑफिस एंड ऑल। बाकी ये एरिया है यू कैन सी Arteta एंड ऑल का क्लिप चल रहा है टॉप कोच। ये देखिए यहाँ पे लिखा वी लव यू Arteta, प्लीज कीप होल्डिंग एंड ऑल। Arteta and as a player and as a manager jeeta hua hai. Beautiful office hona chahiye to is type ka, matlab couch aur area and all sab cheeze wahan pe I think wo log play and all karte hain aur tactics and all discuss karte hain dusra teams ka.
देखते हैं, गेम एंड ऑल देखते हैं, दूसरा टीम्स का एंड डिस्कस। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टूर में चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या मिलेगा। इंटरव्यू रूम्स, तो यहाँ पे तो मतलब साउंड एंड ऑल एकदम परफेक्ट आ रहा होगा आप लोग को भी मेरा, बिकॉज ये सब बना हुआ है एंड पूरा साउंड प्रूफ एरिया, क्योंकि स्टेडियम एंड ऑल में पूरा इतना आवाज़ रहता है। दिस इज ये BBC स्पोर्ट ग्राउंड में, एंड ये वहाँ भाई अपना इंटरव्यू करते हुए वो ले रहे हैं प्रीमियर लीग। दिस इज आर्सेनल मीडिया एरिया, दिस इज इंटरनेशनल टीवी राइट्स होल्डर्स एरिया, एंड एक करके विजिटिंग टीम के लिए भी बना हुआ है। दिस इज द बॉल्स कोर्ट का पिच एक्सेस है, एंड वी आर नाउ हेडिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम। ओके, नाउ आ गए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में। यहाँ पे आर्टेटा प्लेयर्स एंड ऑल सब बैठ के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल करते हैं। यहाँ पे रिपोर्टर्स बैठते हैं एंड सी द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया। वहाँ पे खड़ा रह के बैठ के वहाँ पे आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए एंड ऑल प्लेयर्स एंड ऑल। यहाँ पे भी बहुत गेम खेला जाता है, अगर आप लोग फुटबॉल देखते तो आप लोग समझ जाएंगे मेंटल गेम्स यहाँ पे शुरू होते हैं, मेन बिफोर द मैच, आफ्टर द मैच एंड एवरीथिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, नेक्स्ट थिंग अभी हम लोग और लोअर स्टैंड्स की तरफ जाएंगे, पिच की तरफ, तो देखते हैं। चलिए, पोस्ट मैच इंटरव्यू पर्पल जोन लिखा है, बट वी विल गो टुवर्ड्स द लोअर स्टैंड्स। There we go. That's the pitch from the closest. क्या लग रहा है एरिया? Beautiful. Yeah. Pitch side तो accessible नहीं है आज, and the closest we can get is अभी मैं आपको दिखाता हूँ चल के। This area, and this is the closest you can get to the pitch right now. Beautiful. तो ये था, तो पूरा पिच साइड तो जाने नहीं दे रहा है, टनल एंड ऑल अभी एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि इवेंट्स उनका कुछ है, तो अभी इनएक्सेसिबल रखा हुआ है। दिस वॉज द फाइनल व्यू ऑफ द पिच, अब चलते हैं अंदर की तरफ और नेक्स्ट होगा म्यूजियम एंड ऑल, देखते हैं और देखते हैं अंदर आगे क्या देखने को मिलता है। यहाँ का मीडिया लाउंज एरिया जहाँ भी हम आए हुए हैं मैच के बाद, जब मैच डे के बाद वो सब आते हैं अपने रिपोर्ट्स इन यहाँ बैठ के लिख सकते हैं, उनके लिए पूरा ये एरिया बना हुआ है। यहाँ बैठ के चिल मारिए, रिपोर्ट लिखिए, मैन व्हाट अ जॉब मस्ट बी। और पूरा है, फिर खाने पीने के लिए भी उनका इंतज़ाम कर दिया जाता है, वहाँ पे बूफे टाइप का एरिया है एंड वहाँ पे टी कॉफ़ी एंड ऑल सब फ्री है उनके लिए। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट 20 डिटेल्स फॉर फ्री पर्सनलाइज स्टेडियम 2 सर्टिफिकेट। आमरी स्टोर में हम लोग को फ्री में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्लेस। यहाँ पे सुवीनियर कॉइन्स है कुछ आर्सेनल के लिए, स्टेडियम का बना हुआ सुवीनियर कॉइन्स। हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ सुवीनियर लेंगे, नॉट द कॉइन्स, समथिंग बेटर, वी विल सी। तो देखते हैं क्या मिलता है आगे। निकलते और फिर से कार पार्क की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से फिर आगे का टूर कंटिन्यू होगा म्यूजियम एंड ऑल की तरफ, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस स्टेडियम टूर तो ख़त्म हो गया है और अभी हम लोग चलते हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम ऊपर की तरफ है एंड वहाँ पे पूरा मतलब इसका ट्रॉफीज़ एंड ऑल एंड एवरीथिंग वो सब दिखेगा। तो चलिए म्यूजियम की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ट्रॉफीज़ है और गोल्डन बूट्स एंड एवरीथिंग वन बाय द प्लेयर्स। चलिए बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग म्यूजियम की तरफ आ गए हैं एंड चलिए म्यूजियम को आपको ऊपर से दिखाता है पूरा ये सीन है एंड अंदर चलते हैं म्यूजियम के और देखते हैं पूरा बाकी का अंदर में क्या है। म्यूजियम ना, यहाँ पे सब क्लब्स के बैजेस एंड रखे हैं एवरीथिंग, रियल मैड्रिड हो सके एवरीथिंग फॉर द जर्नी फैक्ट्री होता है टीम टू वर्ल्ड क्लब फुटबॉल। सिंपल्स द आर्सेनल कैनन, वो ये आई कैन सी गोल्ड कैनन बना हुआ है। एंटरिंग फर्स्ट थिंग इज आर्सेनल टुडे, यहाँ पर ये हाइलाइट्स एंड ऑल चल रहा है। दैट्स बुकायो साका, जेजुस, ओडेगार्ड एंड एवरीवन, ब्यूटीफुल। आर्सेनल विमेंस का भी है उधर में, रैम्सडेल
इस तरह आर्सेनल विन का है एंड मैं पूरा सब तरीके से चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूथ एंड कम्युनिटी, ये यूथ एरिया है पूरा, बच्चा लोग का एरिया, इज अ ट्रेनिंग सेंटर एंड एवरीथिंग। आर्सेनल विमेन नाउ द एरा ऑफ द 1950s, इस तरीके का था। लेट्स सी, पूरा बना हुआ है एवरीथिंग, एफ ए कप फाइनल एंड ऑल। दीज वर द जर्सीज, उस टाइम के जर्सीज, बूट्स उस टाइम के, क्लीट्स टाइप के होते हैं, हाँ छोटे छोटे क्लीट्स बने हुए हैं नीचे में एंड बाकी का। माई गुडनेस, नाउ लुक एट दिस, दिस इज द थिंग, द ओ टू द ओ जी जर्सी आर्सेनल का, डेनिस बकहम का बूट्स है एंड और किसका एक बूट्स है भाई, जेंस लेमन का बूट्स है एंड द बॉल रे बार्सिलोना टू आर्सेनल एफ सी माई क्लब 2006 में द ऑन द ओकेजन ऑफ द फाइनल चैंपियंस लीग गेम बिटवीन बार्सिलोना एंड आर्सेनल, वो प्लेट पे लिखा होगा सकता है आपको देखने लगा। बाकी यूएफए चैंपियंस लीग का और जर्सी साइंड बाय द लेजेंड्स ऑफ द गेम, चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट, दैट्स वेयर माई टीम केम इन एंड कैन सी वी डिफीटेड आर्सेनल। एनीवेज यहाँ पे वेंगर का बना हुआ है एंड वेंगर का फर्स्ट गेम एंड देन लास्ट गेम, लाइक यू कैन से देखिए कितना यंग था एंड देन व्हेन ही रिटायर्ड, यहाँ पे बकहम, जिब्राल्टर, थियरी हेनरी, एवरीवन जर्सीज एंड एवरीथिंग। नाउ वी आर गोइंग टू द क्लॉक एंड थिएटर, यहाँ पे रॉबर्ट पीरेस का है वो द ट्रॉफी, दैट्स विद द ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग, आर्सेन वेंगर का ब्यूटिफुल एंड द एफ ए प्रीमियर लीग द 49 अनबीटन वाला ये अवार्ड मिला था। आई थिंक दिस इज नॉट द ट्रॉफी, नो आई थिंक या दिस इज द ट्रॉफी, या दिस इज द ट्रॉफी, जब वो लोग 49 गेम्स अनबीटन गए थे एंड दे गॉट दिस, दे रिसीव्ड दिस, यू कैन सी अच्छा से। यहाँ पे गोलकीपर के भी ग्लव्स है, जेंस लेमन्स का अनबीटन ग्लव्स है, बार्क्लेज का फेयर प्ले अवार्ड एंड देन बार्क्लेज प्रीमियर लीग 20 सीजन्स का, द क्लॉक थिएटर एंड ये पूरा स्टेडियम का रात का व्यू है एंड ऑनरी एंड वियरा, सॉरी वेंगर एंड वियरा कैप ऑफ अ फेरी टेल, ये एक उसमें आया है यू कैन सी, ये पूरा स्टेडियम का वो व्यू बना हुआ है और यहाँ पे भी कुछ ट्रॉफीज एंड ऑल रखे हुए, एफ ए कप एंड ऑल पूरा, और ये आर्सेनल का एक बना हुआ है, यू कैन यहाँ पे आप बैठ के पूरा कमेंट्री एंड ऑल सुन सकते हैं और पूरा फील ले सकते हैं पूरा एरिया का, ब्यूटिफुल गोल ऑनर। चलिए अब टूर में आगे बढ़ते हैं एंड द पीएमडी गोल्डन गोल्ड ट्रॉफी, ये कुछ गोल्डन गोल्ड का कोई ट्रॉफी है ना, ये जर्सी भी रखा हुआ है उस टाइम का 1971 का एंड चार्ली जॉर्ज ऑन एज एफ ए कप विनर, ये उनका सेलिब्रेशन था उस पर ये लिया गया है एंड दैट्स जॉर्ज ग्राम आर्सेनल प्लेयर देन आर्सेनल मैनेजर, पैट जेनिंग्स, रॉब विल्सन, द एफ ए चैलेंज कप का ट्रॉफीज एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, इतना हिस्ट्री से भरा हुआ क्लब है गाइस, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। डेविड रोस्किल, एलन स्मिथ, ओ एलन स्मिथ, एलन स्मिथ अपना फीफा का वो कमेंटेटर, ये भी यहाँ पे अपना बूट्स है, जर्सी है, बॉल मीटिंग डेविड ओलियरी इन 1991 आर्सेनल जस्ट लॉस्ट वन गेम, ली डिक्सन एंड प्लेड एवरी गेम एंड कंसीडर्ड ओनली 18 गोल्स, बाप रे, सो मच हिस्ट्री में। वहाँ पे गोल्डन बूट रखा हुआ है एक तो एलन स्मिथ्स का, एलन स्मिथ का गोल्डन बूट है अपना, एलन वाज़ द टॉप स्कोरर दैट सीजन विद 24 वाइटल गोल्स, ब्यूटिफुल। अब ये तो एक एरिया हो गया, अब दूसरे एरिया की तरफ चलते हैं, ये दूसरा एरिया है एंड दिस इज वन पार्ट, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेडियम टूर। ओके, हम लोग यहाँ से एंटर किए थे, अब चलते हैं दूसरी तरफ, तो अच्छा यहाँ क्या है देखते हैं। ओके, द क्लब इज स्ट्रेव टू फर्स्ट सेंस ऑफ प्राइड बिलोंगिंग एंड ऑल, ये पूरा, तो सबसे पहले तो आर्सेनल का नाम था रॉयल आर्सेनल, फिर वुलविच आर्सेनल वन एंड देन आर्सेनल फुटबॉल क्लब बन गया ये टीम। ये
आर्सेनल का हाईब्यूरी स्टेडियम है, हाईब्यूरी स्टेडियम के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है। एंड देन दे चेंज टू द एमिरेट्स दिस वन, और ये सेंटर स्पॉट हाईब्यूरी स्टेडियम का वो लोग रिजर्व करके रखे हैं इमीजिएटली आफ्टर द लास्ट गेम ऑन May 7, 2006। हाईब्यूरी 1913 to 2006 ये एरिया का है, ये बाकी का है। एंड ये नॉर्थ थिएटर बैंक एंड अदर थिंग्स, यहाँ पे उनका वीडियोस चल रहा है। बाकी का ट्रॉफीज एंड ऑल यहाँ पे रखा हुआ है, यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स, द चैंपियनशिप ट्रॉफी, सो मच हिस्ट्री। डू कम ओवर हियर गाइस, जरूर आइए अगर आप लंदन आ रहे हो और आप फुटबॉल फैन हैं, जरूर आइए। नॉट इवन आर्सेनल फैन, अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो जरूर आइए पूरा। ओके, द शील्ड प्रेजेंटेड टू आर्सेनल कमेंट को मेमोरेटिंग अ हैट्रिक ऑफ लीग चैंपियंस 1933, 34, 35। उस टाइम का ये है, ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स पुराना है ये। आई थिंक ऑफ फाइनल शर्ट्स 1927, 1930 उस टाइम का पूरा है। एंड दिस इज इट, दिस इज फॉर द टूर। तो वही था टूर पूरा, एंड कवर्ड द स्टेडियम एंड द म्यूजियम, पूरा कवर हो गया है। बहुत अच्छे दिन में मैं आया, मतलब पूरा धूप वगैरह है, एंड बारिश के दिन में आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, एंड वेदर भी बहुत अच्छा है अभी इस टाइम में आना, मज़ा आ गया। अब बस मुझे एक दो सुविनियर लेना है अपने फ्रेंड्स के लिए, बाकी देन यहीं पे ख़त्म होता है टूर पूरा। एंड अब चलते हैं वापस अपने घर। तो यहीं पे गाइज मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, अगर आपको व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। अब न्यूज़ एंड ऑल का वीडियो तो आएगा, एंड श्योरली फिर और भी व्लॉग्स बनाएंगे। स्टैनफोर्ड ब्रिज जाना है नेक्स्ट, तो वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे, जितने भी स्टेडियम जाएंगे सब जगह व्लॉग बनाएंगे, मेमोरी एंड ऑल सब चीज़ में। तो उसके लिए गाइज बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और डेली न्यूज़ एंड ऑल जो मैं बात करता हूँ मैं लाइव स्ट्रीम से भी आऊँगा विद अदर कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम इंडिया। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स न्यूज़ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।